देखिए, जिस टॉपिक का हम शुरुआत किए हैं वो टॉपिक है मेटर्स एंड मेट्रोइड्स, दोनों में क्या अंतर। पहली बात तो दोनों का वो सेलेस्टियल बॉडी है, दोनों क्या है, दोनों सेलेस्टियल बॉडी है, दोनों को हम लोग सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे, ठीक है। पहली बात दोनों में अंतर यही है कि ये बहुत छोटा होता है, ये बहुत लार्ज होता है, ये बहुत छोटा है और ये बहुत लार्ज है। दोनों में, दोनों जो है सन के चारों तरफ घूम रहा है, दोनों सन के चारों तरफ घूम रहा है, बोथ आर रिवॉल्विंग अराउंड द, दोनों सन के चारों तरफ घूम रहा है। बट अंतर क्या है कि एक जो सन के चारों तरफ घूम रहा है वो कभी कदार, जिसको हम लोग कहते हैं ओकेजनली, ओकेजनली मतलब क्या, कोई कभी कदार, कभी अवसर पर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाता है, स्पेस को छोड़कर, स्पेस छोड़ दिया, वो घूम रहा था सन के चारों तरफ स्पेस में, कभी कदार वो स्पेस के छोड़कर कहां घूम गया, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। हम सब जानते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो काफी डेंस है, घना है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब वो पत्थर बहुत फास्ट में आएगा तो पत्थर और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है उन दोनों के बीच फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन मींस घर्षण होगा, और जब घर्षण होगा हम सब जानते हैं कि जब भी दो चीज रब करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण हीट होता प्रोड्यूस, वो हीट करेगा क्या उस पत्थर को, जो पत्थर बहुत फास्ट में आ रहा है, फ्रिक्शन के कारण वो पत्थर जलना शुरू कर जाएगा, ठीक है। जिस तरह कॉमेट में नहीं पुच्छल तारा बन गया, पुच्छल तारा करती बन जाता, वैसे जैसे जैसे जलेगा ये, जला क्यों, वो जला था सन के करीब गया, तो कॉमेट जला था सन के करीब गया था तो ना, बट ये क्यों जल रहा है, ये जल रहा है फ्रिक्शन के कारण, जो अर्थ एटमोस्फेयर और जो आपका स्पेस से जो पत्थर अर्थ के एटमोस्फेयर में आया दोनों के बीच फ्रिक्शन हुआ उस कारण से जला। ये जलने के बाद वो इवापोरेट किया, इवापोरेट करने के बाद धुआं बनेगा, यहां पर भी धुआं जो होगा उसके पूछ की तरह बन जाएगा और वो आगे की ओर बढ़ रहा है। और जो पत्थर होते हैं वो छोटे होते हैं, जैसे ही वो अर्थ पर पहुंचने वाला होता है, अर्थ पर पहुंचने के पहले ही वो जल करके खाक हो जाता है, अर्थ पर पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो पत्थर बहुत छोटे होते हैं। और अगर कोई पत्थर बहुत बड़ा है वो जलने के बाद भी नीचे में गिरेगा, गिरेगा ना, नीचे में गिरेगा मतलब वो भी जला है लेकिन वो इतना लार्ज है जलने के बाद वो बीच में खत्म नहीं हुआ है, वो कहां पहुंच गया, अर्थ सरफेस के ग्राउंड पे पहुंच गया, तो उसे कहते हैं मेटियोराइट्स। क्या कहते हैं उसको लोग, मेटियोराइट्स कहते हैं। इसका यूज अगर मान लो अर्थ सरफेस पर गिरा तो हम लोग जैसे साइंटिस्ट जो होंगे वो क्या करेंगे, रिसर्चर, वो जाएंगे पत्थर के पास, पत्थर को इन्वेस्टिगेट, जांच करेंगे उसका, जांच करने के बाद उनको मालूम चलेगा कि हाँ ये पत्थर किस चीज से बना हुआ है, तो साइंटिस्ट को या रिसर्चर को मालूम चलेगा कि हम लोग का यूनिवर्स में जो है वो क्या है, यूनिवर्स से जाकर के उसको लाना वो इम्पॉसिबल है, अपने आप आ गया ना, अर्थ पे गिरा हम देख लिए उसको, तो उसके बारे में मालूम चल जाएगा यूनिवर्स किसी से बना हुआ। मिस साइंटिस्ट लोग के लिए वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिस प्लेटफॉर्म के तहत वो इस चीज को जान पाता है कि एक्चुअल में उस पत्थर वो किस चीज से बना है, जो इंडिकेट करेगा कि हम लोग का जो यूनिवर्स है वो किस चीज से फॉर्म हुआ है। ये आपका मेट्रोइड्स बोले हम लोग, और मेटर्स में क्या बोले आपको, इसको मैं शूटिंग स्टार भी कहते हैं या फॉलिंग स्टार, क्या बोले मैं इसको, शूटिंग स्टार, इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं बाबू, या इसी को फॉलिंग स्टार कहते हैं, शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार। दोनों फैक्ट किसके लिए था, मेटर्स के लिए था और मेट्रोइड्स ने बोले दिया आपको, ठीक है। इसे आप लोग खुद से लिखिएगा, समझ आ गया क्या बोले।
चलिए तो टॉपिक सब बना लिया होगा, मैं क्वेश्चन लिखा रात में लिखा दूंगा, छोड़ दो उसको भी। चलो आगे बढ़ाऊ फिर आर्टिफिशियल सेटेलाइट को समझाता हूँ। लास्ट टॉपिक यही है आर्टिफिशियल सेटेलाइट। ध्यान से थोड़ा भी पढ़िए कि मैं देखता हूँ। सेलेस्टियल बॉडी होता क्या? व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडी? इफ यू कैन से जस्ट टेल। व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडी? चमकीला बॉडी। कहां पर है? कहां पर है? हाँ जी, सेलेस्टियल बॉडी को चमकीला बॉडी कहते हैं। कैसे कर रहे हो? पढ़ो आपने। सेलेस्टियल बॉडी मीन्स जो बॉडी घूम रहा है अर्थ में सन के चारों तरफ, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी। मून, अर्थ, सन, सैटेलाइट, वो सब क्या है? प्लेनेट, वो सब सेलेस्टियल बॉडी है। चलिए पढ़िए आगे। सेलेस्टियल बॉडीज लाइक द अर्थ मून रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट आर कॉल्ड इट्स नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मेन मेड ऑब्जेक्ट व्हिच हम लोग का जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। चलिए हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता क्या है। व्हाट इज दिस? देखो सिंपल बात है, हम सब जानते हैं कि सेलेस्टियल बॉडी सन के चारों तरफ घूम रही है। वो सेलेस्टियल बॉडी जो अर्थ के चारों तरफ घूम रही है उसे कहते हैं हम लोग नेचुरल सैटेलाइट, जो कि एक मून है। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट। अरे सुनो, नोट बात में, मून क्या है? नेचुरल, जो किसके चारों तरफ घूम रही है? अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट। लेकिन हम जिस सैटेलाइट को बाहर से भेजते हैं, ना सुनते भी होंगे, बाहर से सैटेलाइट भेजे, चंद्रयान टू, चंद्रयान वन नाम सुने भी होंगे। तो जो हम लोग सैटेलाइट को खुद भेजते हैं बाहर से, वो मून मान लो कि अर्थ ही है, ठीक है, अर्थ ही है। मून मान लो कि ऐसे घूम रहा, ठीक है, इतना दूर घूम रहा है चौथ के घूम रहा। लेकिन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भेजेंगे वो इतना दूरी पर नहीं घूमता है, बहुत कड़ी घूमता है, बस सर्ट घूमेगा अर्थ के, अर्थ काफी सर्ट करके घूमता है, काफी कड़ी। और क्यों सर? क्योंकि उसको हम लोग भेजते हैं कुछ कारण से। वो पहला वेदर फोरकास्टिंग, मतलब मौसम की जानकारी हमको एडवांस में देता है कि कल का मौसम क्या होने वाला है। सुनते हो ना, 15 दिन पहले का मौसम मालूम कर लेते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा हुआ है वहां पर। वेदर फोरकास्टिंग के अलावा लिखा हुआ नाम सुने होंगे आप लोग, एक मिलिट्री सर्विलेंस, मतलब कि सैनिक लोग जो है, मतलब कि कौन से आतंकवादी जो होते हैं वो कहां पर अटैक करेंगे, तो सैटेलाइट इंडिकेट करता कि यहां से घुसपैठ होने वाला है, वहीं पर आकर वो मतलब यहाँ इसका ड्रोन पकड़ा गया, मीन्स पाकिस्तान का ड्रोन यहां पकड़ा गया, नहीं सुनते हो? वो कैसे मालूम कर लिया? तो वही सैटेलाइट के अंदर। इन सबों के अलावा हम लोग जो कम्युनिकेट करते हैं, टेलीफोन से बात करते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? सैटेलाइट। कौन सा सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट। मीन्स कम्युनिकेशन के लिए भी ये आपका नेचुरल सैटेलाइट काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कम्युनिकेशन के अलावा टेलीविजन सिग्नल्स, जो लोग टीवी देखते हैं उन सब चीज के लिए भी, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं एज ए होल जितना भी कम्युनिकेशन पर्पस है, वेदर फोरकास्टिंग है, मिलिट्री सर्विलेंस है, उन सारे के लिए ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ताकि हम लोग को पहले से ही मौसम के बारे में मालूम मिल जाता है। कोई अगर आतंकवादी आतंक करने वाले हैं तो उनके जो हरकत है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। ऐसे और भी जो टेलीफोन में बात करते हैं दूर से, ये सब भी सैटेलाइट के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। चलिए आगे फिर पढ़िएगा, खड़ोगे आप पढ़िए।
बीइंग नॉट बिगनिंग ऑन करो ऑन है रीडिंग करा था तो बंद कर दिए थे फिर बंद कर दिया नहीं चालू अभी हम जो बोले तुम बंद था उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उस सैटेलाइट में बात है जियो मतलब अर्थ होता है स्टेशनरी मतलब होता है रुकावट अर्थ के साथ अर्थ के हिसाब में अर्थ के स्पीड से अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो उस सैटेलाइट को बोलते हैं कि हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही मैक्सिमम पाया जाता है जो हम लोग अर्थ से भेजते हैं चांद घूमने के लिए चलिए तो पहला प्रश्न लिखिएगा अच्छे से व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन What is difference between Meteors Meteors What is difference between Meteors and Meteroids Meteors and Meteroids ठीक है हो गया नहीं है फिर सेकंड लिखोगे Why matters is called shooting or falling star shooting का स्पेलिंग लिखा है SHOOTING 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 शूटिंग और फॉलिंग स्टार इसको शूटिंग और फॉलिंग स्टार क्यों कहते हैं हो गया फिर थर्ड पॉइंट को एक क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट What do you mean by geo stationary satellite? ठीक है इसके बाद देखो यहां नेक्स्ट क्वेश्चन फिर name different work of work means कार्य हो गया किसका आर्टिफिशियल सेटेलाइट नेम डिफरेंट वर्क ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट बनाइए फास्ट में कुछ से इसको